हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। अगर आप डिप्लोमा के छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल के मॉडल पेपर को बताया था। आज आप लोगों से हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर के, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आ गया भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, भौतिक राशियाँ बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो जैसे भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिन्हें हम भौतिकी के नियम पर, मतलब भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें भौतिक के नियम व्यक्त किए जा सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए कई मूल राशियां होती हैं, उनके मात्रक होते हैं। तो आइए आप लोगों को हम बता दें। तो जैसे देखिए आप लोग, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसे केजी से। समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, इसे के और डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, इसे सी डीप से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों की 7 मूल मात्रक मूल राशियां होती हैं। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक मोल होता है, इसे एम ओ एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आप लोगों की 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं, आप लोग देख लीजिए उनको। आप लोगों से यह क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसे आर ए डी से प्रदर्शित करते हैं। तथा घन कोण का मात्रक स्टे रेडियन होता है, इसे एस आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए बीमाएं। बीमाएं क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, मूल राशियों के मात्रकों पर चढ़ाना पड़ता है। मतलब इन राशियों के जो मूल मात्रक रहेंगे उन्हीं के ऊपर जो हम लोग घात चढ़ाएंगे उसी को बीमा कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड। तो मीटर को हम लोग एल से प्रदर्शित कर देते हैं, इसका बीमा एल होता है। तथा सेकंड का टी होता है। तो देख लीजिए बीमा को आप लोग हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा और इस तरह हमेशा लिखा जाएगा यह। तो मीटर का देखिए एल होता है और समय अर्थात सेकंड का टी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो चाल की जो बीमा होगी वो हो जाएगी एल टी के पावर -1। यही आप लोगों का आंसर होगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा बीमाएं क्या होती हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर अगला आ रहा है आप लोगों का विमीय समीकरण एवं विमीय समांगता का सिद्धांत। आप लोगों से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि बीमाएँ क्या होती हैं, उनके समांगता का सिद्धांत क्या है, अर्थात विमीय समीकरण क्या है। तो देखिए, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि की विमीय समीकरण कहते हैं। मतलब कोई भौतिक राशि रहेगा उसका हम लोग विमीय सूत्र लिख लेंगे और उससे जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा उसी को हम लोग विमीय समीकरण कहते हैं। अतः विमीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें किसी
भौतिक राशि को मूल राशियों और उनके विमाओं के पदों में निरूपित किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, कैपिटल वी वैल्यूम, स्मॉल वी वेग है आप लोगों का, या फोर्स है, रो घनत्व है, का विमीय समीकरण। तो देखिए, वैल्यूम का एल क्यूब हो जाएगा, आप लोग एम जीरो टी पे जीरो भी लिख सकते हैं, और एल क्यूब तो रहेगा ही। फिर वेग का हो जाएगा एल टी पे -1, एम पे आप लोग जीरो लिख सकते हैं, या ना लिखें तब भी सही है। इसी प्रकार फोर्स का एम एल टी पे -2, और घनत्व का एम एल पे -3 टी के पावर 0। तो देख लीजिए विमीय समीकरण क्या हुआ। इसकी समांगता का सिद्धांत आप लोगों को हम आगे भी बता रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो यह देखिए विमीय समांगता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समीकरण के दोनों ओर अर्थात दाएं ओर तथा बाएं ओर के प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। मतलब विमीय समीकरण आपको बताया, उसकी विमा भी निकालने को बता दिया, तो ऐसी विमा निकालेंगे दोनों तरफ समान रहना चाहिए। तथा समीकरण के दोनों ओर की विमा यदि बराबर नहीं होगी तो वह अशुद्ध समीकरण कहा जाएगा। मतलब वह समीकरण समांगता का सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, दोनों तरफ विमीय सूत्र बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। देखिए एग्जाम्पल के लिए समीकरण दिया है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को विमीय रूप में लिखकर समांगता का सिद्धांत सिद्ध करना है। तो देखिए s जो आपका है दूरी है, दूरी है ना, तो इसकी जो विमा होगी वो l हो जाएगी। u आपका वेग है मान लीजिए, तो वेग का आप लोगों को बताया है एल टी पे -1, t टाइम अर्थात समय है, तो इसका भी आप लोगों को बताए हैं टी है। थोड़ा आप लोग बुक से भी पढ़ा कीजिएगा, बीमा अच्छे से थोड़ा और समझ में आएगा। तो ये देखिए अचर पद है, इसकी कोई बीमा होगी नहीं। ये देखिए त्वरण है, त्वरण का एल टी पे -2 होता है, ये टाइम है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एल का एल ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपका एल ही बचेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो इस पे -1 है, इस पे +1 है, तो कट के वो तो एक हो जाएगा, तो एल ही बचेगा। प्लस करेंगे इसमें भी वही नियम अप्लाई होगा, तो एल ही बचेगा। ये आप लोगों का भले यहाँ 2 रहे यहाँ 5 रहे उससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों का यह अलग अलग आना चाहिए। तो यहाँ देखिए अतः समीकरण के तीनों पद का विमीय सूत्र एल ही है, अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। मतलब एक भले आप लोगों का 10 बार आए लेकिन इसके बराबर आना चाहिए सब पद, देखिए सब में बराबर है, बराबर है, तो अतः यह समीकरण सही है। तो इस प्रकार आप लोग विमीय समांगता के सिद्धांत का सत्यापन कर चुके हैं। आप लोगों को यह क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। अभी इसके आगे है विमीय विश्लेषण की सीमाएं, उसके बारे में बताएंगे, और उसकी सत्यता का जांच करने का नियम है उसको बताएंगे। या जो 2-3 टॉपिक है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में मात्रा एवं विमाएँ में, वह आप लोगों को 5-5 नंबर में आता है जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों को उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे।